कांग्रेस पर देश ने निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसान मजदूर विरोधी सरकार है, भाजपा सरकार की नीतियां जनहितेशी नहीं है, भाजपा सरकार अपनी मनमानी करते हुए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि बिल किसान विरोधी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंचे, जहां कांग्रेस नेताओं ने फूल माला डालकर उनका स्वागत किया। इस दौरान वह पत्रकारों से रूबरू भी हुए। उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं और लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया था कि राहुल गांधी और केजरीवाल किसानों के साथ फोटो खिंचाकर ड्रामा कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह ये बताए कि आलू कैसे पैदा होता है, फसल कैसे उगाई जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार तानाशाही कर रही है और वर्तमान सरकार ने प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध और बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और पुलिस प्रशासन भी सत्ता पक्ष में ही काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे लोगों का साथ दिया तो मुझे 1 महीने तक जेल में डलवा दिया गया और कांग्रेस के कई नेताओं को जेल में बंद करा दिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, जब तक हम न्याय पंचायत ग्राम पंचायत की टीम मजबूत नहीं कर पाएंगे, तब तक हम खुद सरकार का सामना नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें लक्ष्य दिया गया है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को 8000 न्याय पंचायतों का गठन करना है। आदरणीय प्रियंका गांधी न्याय पंचायतों में जाएगी और ग्राम सभा की इकाई गठित टीम का हिस्सा बनेगी। हमारे 500 किसान संगठन जो दिल्ली के चारों तरफ घेरे हुए हैं 3 काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए पिछले 24 दिन से, वहाँ पर आंदोलन के दौरान हमारे लगभग 38 किसान नेताओं ने अपनी शहादत दे चुके हैं वहाँ पर सड़क के ऊपर। उन इसी के मद्देनजर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ऑल इंडिया में सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर, जिला सत्र पर और उसके तो तहसील सत्र पर भी श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया ज्वाइंट रूप से 38 के 38 हमारे किसान साथियों के लिए। और यहाँ से हम एक प्रेरणा लेकर जा रहे हैं और अन्य साथियों को भी प्रेरित कर रहे हैं। भाई जिस प्रकार 38 साथी शहीद हो गए 3 काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए, हम जो आज जिंदा बचे हैं, हमारा परम कर्तव्य परम धर्म बनता है, हम जब तक घर वापस नहीं जाएंगे, चाहे उन साथियों की तरह हमने भी कुर्बानी क्यों ना देने पड़े, जब तक हम 3 काले कानूनों को रद्द नहीं करवा देते, यही हमारे 38 किसान शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके साथ साथ जिला हिसार संघर्ष समिति की तरफ से हम यह भी प्रस्ताव पास करते हैं, आज 38 जो किसान शहीद हुए आंदोलन के अंदर, उनको तुरंत प्रभाव से राज्य सरकारों की तरफ से शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवार को 50 लाख रुपए प्रति परिवार के हिसाब से आर्थिक सहायता दी जाए, उसके एक परिवार के आश्रित नौजवान को सरकारी नौकरी दी जाए और जितना कर्जा उस किसान का है जिसने शहादत दी, सारा कर्जा एक कलम से माफ किया जाए। ऐसा सर, आज श्रद्धांजलि सभा है जो हमारे किसान नेता, हमारे किसान साथी जो दिल्ली के अंदर शहीद हुए 37-38 हमारे किसान जो है वहाँ शहीद हो चुके हैं और उनके और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई एक ही दिन जिला हेडक्वार्टर के ऊपर और उसी कड़ी में हमारे यहाँ इशार में रखी गई है। और ये जो है बहुत बड़ी त्रासदी है कि वो किसान जो आज रोड के ऊपर है, जो अन्नदाता कहलाने वाला किसान आज सारा का सारा दिल्ली के अंदर बैठा है अपनी एक जायज मांग के लिए, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा इस सरकार को, परमात्मा सद्बुद्धि दे मोदी सरकार को, कि ये तीनों काले कानून हम तो मांगे ही नहीं, किसान को किसने मांग की थी? हमने तो मांग स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की थी, वो नहीं दी। हमारे कर्जा मुक्ति की मांग की थी, वो नहीं की। अन्य सुविधाओं के लिए बात की थी, लेकिन इन्होंने सारा का सारा सिस्टम अपनी मर्जी से कारपोरेट घरानों को फायदा देने के लिए, ये COVID-19 लगा हुआ था तो भी उस समय में अलग से बैठ करके इन्होंने तीनों ये काले कानून पारित कर दिए। हमने मांगे नहीं, क्यों दे रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी थी? हम तो पुराना हिंदुस्तान चाहते हैं, हमारा जो हमारी पुरानी जो पद्धति थी उसके हिसाब से खेती बढ़िया चल रही थी। हमारी फसलों का रेट दे दें, कर्जा मुक्ति दे दें, जो ये नए नए कानून गलत बना रखे हैं, जो हमारे ये बीमा योजना है फ्री ऑफ कॉस्ट करे किसान की, पहले 580 रुपये प्रति एकड़ थी, अब 1680 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से कर दिया। लेकिन क्या है, किसान विरोधी सरकारें हैं ये, किसान के विरुद्ध में सारे के सारे निर्णय जो किसान के
विरुद्ध ले रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। और हमारी से हमारे खुद को हमारे कितने साथियों को शहादत देनी पड़े, कितने हमारे साथी शहीद हों, हम ये वहाँ से तब उठेंगे तो हमारे तीनों काले कानून वापिस हो जाएंगे और तभी हम जाके मानेंगे। और हमारे जितने भी साथी शहीद हुए हैं हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं और ये मांग करते हैं इस गुंगी बारी सरकार से, निकमी सरकार से, हमारे जो भी साथी शहीद हुए हैं उन सभी को शहीद का दर्जा दे सरकार, राज्य सरकार, और 50-50 लाख रुपए एक परिवार को सहायता दे, संपूर्ण रूप से कर्जा मुक्ति दे और एक एक सदस्य परिवार को ये नौकरी दे। हम इस सरकार से ये भी मांग करते हैं और इन्हें तुरंत प्रभाव से करने भी चाहिए और तुरंत प्रभाव से तीनों के तीनों जो काले कानून है ये वापिस लेने चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या होने वाला है। आज किसान एक अन्नदाता कहलाने वाला, कहने वाला किसान मजदूर गरीब आदमी सारा जागरूक हो चुका है, चाहे कुछ भी हो जाए अब किसान उल्टा हटने वाला है। कितनी शहादत देनी पड़े, कितने शहीद हो जाए हमारे, हमको परवाह नहीं कर रहे। अब एक तरफ हाँ और ना में जवाब मांग रही सरकार से। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.